कैसे हो भाई साहब? लावा ने फोन लॉन्च किया है, लावा ब्लेज। इसकी कीमत है 8700। मेरा नाम ले दोगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा ₹1 कम, 8699 का। कंपनी वाले आपको फोन के साथ डब्बा दे रहे हैं और डब्बे में आपको चार्जर भी दे रहे हैं 10 वॉट का, और टाइप सी डाटा केबल भी है, और सिलिकन का मेरी तरह मरा सा कवर भी है, और सिम इजेक्टर टूल भी है, और साथ में फोन तो मिल ही रहा है ऐसे लाइट ग्रीन कलर का। मुझे इसे देख के लौकी याद आ गई। कमाल की बात है भाई साहब, 8500 के फोन में ग्लास। अगर डिजाइन के बारे में बताऊं तो भाई साहब लावा ने इसमें थोड़ी मेहनत की है। डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है, लाइट वेट है फोन, मतलब बहुत हल्का सा ये फील आता है क्योंकि हल्का ही वजन है इसका। कितना वजन है? 196 ग्राम। मैं भी क्यों, इतना हल्का क्यों लग रहा है? और अगर हम इसके थोपड़े यानी डिस्प्ले की बात करें तो कंपनी ने बड़ी डिस्प्ले लगाई है ताकि सब बड़ा बड़ा देखने में मजा आए। 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले है, और कंपनी ने इसमें बैटरी लगाई है 5000 mAh की। बड़ी बैटरी होती है, ये सब बहुत ही अच्छी बात है। अगर सिम ट्रे की बात करें तो ऐसा लोचा नहीं है कि सिम हटा लो वगैरह। इसमें आप 2 सिम कार्ड भी लगा सकते हो और साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। इसमें एंड्रॉयड 12 इसमें दिया हुआ है, और बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है। कहाँ है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, फेस अनलॉक भी दिया है, जो कि ठीक काम कर रहा है। बहुत बेस्ट भी नहीं कह सकते और बहुत बेकार भी नहीं कह सकते। साथ में 64 GB की इसमें इंटरनल स्टोरेज है, जिसे आप बढ़ा सकते हो, और साथ में 3 GB की इसमें रैम दी हुई है। मैंने कंपनी से कह के इसमें प्रोसेसर भी लगवाया है, मीडियाटेक का हीलियो 822। प्रोसेसर तनिक ओल्ड है, लेकिन आपके डेली वर्क, डेली काम ये बढ़िया करके चल जाएंगे। लेकिन कंपनी ने इसमें स्पीकर बढ़िया लगाया है, एकदम सुनाता हूं भाई मैं, ऐसी क्या बात होगी। चलाओ चलाओ, फुल, एकदम फुल चाहिए भाई मुझे। अरे अड़ागी ससुरैल। साउंड एकदम भर भर के साउंड है, बाकी चुटर मुटर खटर पटर सारे सेंसर है। अब फोन के कैमरे के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में स्पेशली बात करने आया हूं। एक तो फ्रंट में आपके मुखड़े के लिए दिया हुआ 8 MP का सेल्फी कैमरा, और बैक में ट्रिपल रियर कैम का सेटअप दिया हुआ है प्राइमरी 13 MP के साथ। और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कैमरे में, जैसे कि फोटो तो है ही, पोर्ट्रेट मोड है, वीडियो मोड है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष मोड है ब्यूटी मोड, जिसमें ऑटो ब्यूटी भी है। आपको पतला भी कर दिया जाता है, मोटा भी कर दिया जाता है, आंखें एनलार्जर है। बाकी मोर सेटअप में आपको जिफ बनाने का प्रो मोड, पेनोरमा, टाइम लैप्स और मैक्रो भी मिलेगा। साथ में एक इंटेलिजेंट स्कैनिंग भी है जो QR कोड वगैरह को स्कैन करती है। अगर आपके थोपड़े के लिए जो फ्रंट कैम दिया है उसकी बात करूँ तो उसमें भी आपको सभी सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर हम फोटोज की बात करें तो मैं सभी फोटोज के बारे में आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। यहाँ पर इसकी कुछ पिक्स हैं, जहां पर आप, ये इसका नॉर्मल मोड है, जहां पर जो कलर है बहुत ही नेचुरल आ रहे हैं। अपने आप ऑप्टिमाइज करके इसने बैकग्राउंड को भी ब्लर कर दिया है कि हाँ भाई थोड़ा सा ब्लर कर दिया, जिससे फोटो और नेचुरल आ रहे हैं। मैं ये सेम है, ये इसका AI बेस्ड है, मैंने AI को ऑन करके डाला है। ये मैंने HDR ऑन करके क्लिक ली है, फोटो काफ़ी सुंदर बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही अच्छे हैं। साथ में अगर मैं इसका पोर्ट्रेट दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक फ़ोटो बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए इसने देखो बैकग्राउंड को कितने प्रॉपर करके और कितनी खूबसूरत तरह से ब्लर किया है। पानी की बूंद भी आप देख सकते हैं, सुपर्ब। इसका मैक्रो मोड है, जहाँ पर मैंने स्पीकर को लिया हुआ है, ये मेरे हाथों की लकीरें भी आपको इसके माइक्रो में दिख रही हैं। ये मेरा फ्रंट कैम का ये नॉर्मल पिक है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है। देखिए कलर काफ़ी नेचुरल बहुत सुंदर आ रहे हैं, जो कलर्स हैं वो बहुत ही पंची हैं। अरे भाई हो जा, ये फ्रंट कैम का पोर्ट्रेट मोड है, मुझे प्रॉपर करके इसने बिल्कुल प्रॉपर करके इसने पोर्ट्रेट कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर करके। बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से इसने ब्लर किया है, यहाँ पर ये वीडियो सामने। तो दोस्तों ये वीडियो इसके रियर कैम से बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
और ये है फ्रंट कैम, जहां पर फ्रंट में भी आप सेम चीजें देख सकते हैं। आप बताएं इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी। अरे हाँ भैया, तो आपने देखा कि इसके जो कैमरा के पिक्स हैं वो काफी अच्छे और काफी नेचुरल आ रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर कैमरा की परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया है। तो बाकी आप बताएं कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हो, बताओ।